कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के यूथ विंग की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम मोदी सरकार के खिलाफ युवा बचाओ देश बचाओ का आयोजन किया गया है। ये सभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो यूथ विंग है, यूनाइटेड यूथ फ्रंट, उनकी अगुवाई में सभी यूथ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन के, उनके युवा इकाई के आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, युवा खुदकुशी पे मजबूर हो रहा है, इसके अलावा बढ़ती महंगाई समेत जो तमाम मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों, चाहे राफेल स्कैम हो, इन सभी मुद्दों को लेकर यूनाइटेड यूथ फ्रंट की अगुवाई में युवा बचाओ देश बचाओ एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग जगहों से हजारों की तादाद में सभी युवा अलग पॉलिटिकल पार्टीज के युवा इकाई के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, सरकार की कमियों को लेकर उन पर प्रहार किए जा रहे हैं। यूनाइटेड यूथ फ्रंट के लीडर्स ने साफ कर दिया है कि अगर वक्त रहते मोदी सरकार ने युवाओं के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा या फिर महंगाई पे लगाम नहीं लगाया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यूनाइटेड यूथ फ्रंट आगे भी इसी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती रहेगी और युवाओं की आवाज बुलंद करती रहेगी। कैमरामैन इमानुएल के साथ सुमंत कुमार, APN।